अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। टमाटर 3 किलो, एक अदद स्लाइस में कटी हुई प्याज, 1/2 कप ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर 1/2 कप, 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 15 मसाला जिसके अंदर मैंने 2 अदद बड़ी इलायची ली है, 4 अदद छोटी इलायची, 6 से 7 दाने काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 अदद लौंग यूज़ कर रही हूँ, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 4 अदद लहसुन के जवे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक। अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये इस तरह का मलमल का कपड़ा लें। अब इसकी हम पोटली बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है, उसके बाद ये सारा गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसकी लूज़ सी पोटली बना लेंगे। लूज सी पोटली बनाने का मकसद ये है कि इसका सारा फ्लेवर जो है वो टमाटर के अंदर आ जाए। बिल्कुल इस तरह से इसकी पोटली बनाएंगे। सबसे पहले मैंने टमाटर को अच्छी तरह से वॉश किया है। अब मैं टमाटर को सेंटर से कट करके पैन में ऐड कर दूंगी। टमाटर को सिमर करेंगे। इसमें मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, ये अपने ही पानी में कुक होंगे। टमाटर के साथ ही इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन मैंने पीस लिया था वो ऐड कर देंगे और ये जो पोटली बनाई थी इसे ऐड कर दूंगी। सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। सारी चीज़ें मिक्स करके 25 से 30 मिनट्स तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करें। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में ये बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर से जो पोटली थी उसे बाहर निकाल लूँगी। अब इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए रखेंगे, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। कोई भी फ्राई चीज़ केचप के बगैर अधूरी होती है। आप घर में हेल्दी केचप बनाएं, बच्चों को भी हेल्दी केचप खिलाएं। सीज़न में टमाटर सस्ते होते हैं, इसे ढेर सारी बनाकर आप घर में रख सकते हैं। कोशिश करें केचप के लिए रेड टमाटर यूज़ करें, क्योंकि इससे केचप का कलर बहुत खूबसूरत और फ्रेश आएगा। टमाटोज़ को मैंने ग्राइंड कर लिया। अब उसी पैन में जिसमें टमाटो केचप बना रहे थे उसमें स्ट्रेनर की मदद से टमाटर को स्ट्रेन कर लेंगे। टमाटो ग्राइंड करते हुए मैंने इसके छिलके रिमूव नहीं किए थे, इसे वैसे ही मैंने ग्राइंड किया था। अब स्ट्रेनर की मदद से टमाटो पेस्ट को स्ट्रेन करूँगी ताकि इसके सीड्स और छिलके रिमूव हो जाएं। टमाटोज़ को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब इसे दोबारा से कुक करेंगे। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। सुर्ख मिर्च, शुगर, शक्कर, अब इसे मिक्स कर लें। मिक्स करके इसके अंदर सिरका ऐड करें। सिरका मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसे प्रिजर्व किया जा सके ज़्यादा टाइम के लिए। एक दफ़ा मिक्स कर दें। केचप जो है वो आप 1 साल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। आप इसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर फ्रीज़र में रख दें और जब यूज़ करना हो इसे 1 आवर पहले निकाल कर रख लें और यूज़ कर लें। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ गया। इसके अंदर कोई भी मैंने कलर ऐड नहीं किया, ये फ्रेश टमाटो के कलर है। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए कुक करें। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो चुके हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल केचप की तरह है। जब ये कंसिस्टेंसी आ जाए
इसमें केचप रेडी है, इसे इतना ही गाढ़ा करना है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। होममेड केचप बिल्कुल रेडी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। ऑर्गेनिक तरीके से ये बनाई गई है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें और इसमें गीला चम्मच बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बाजार से केमिकल वाला केचप यूज़ करने के बजाय आप घर में हेल्दी और फ्रेश केचप बनाएं। अगर आप हेल्दी केचप बनाना चाहते हैं तो वाइट शुगर को स्किप करके ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर घर में ट्राई करें और अपने व्यूज़ दें। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल बटन पर लास्ट में क्लिक करें ताकि आइंदा तमाम वीडियोज़ जो हैं आप तक आसानी से पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।